तोड़ा गया था। आपको मटके नजर नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए आप एक बार, यहाँ देखिए। अंदर जाऊं किस तरफ, क्योंकि हर तरफ एक जैसी आकृति मुझे नजर आ रही है दोस्तों। सीरियसली मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह इतना प्रेरित हो गए कि इससे भी बड़ी संरचना बनाने के लिए वो अंदर चलेंगे और मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो के। दोस्तों जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे आगे हमें उसका इतिहास नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप अभी देख रहे हैं अनटच व्लॉग। दोस्तों आज मैं फिर से आपको एक ऐसे प्लेस के ऊपर लेकर आया हूँ जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। दोस्तों आज मैं आया हूँ राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ झुंझुनू शहर के अंदर। और यहाँ पर मेरा मकसद है, जितने भी यहाँ पर हवेलियाँ बनी हुई है, महल बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, बावड़ी बनी हुई है, सबको मैं अंदर कवर कर सकूँ और आपके समक्ष रख सकें। और आज मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ आपको खेतड़ी महल, जो आप इस तरफ नज़र डालिए आप एक बार, यहाँ बना हुआ है खेतड़ी महल घनी आबादी के अंदर। और यहाँ आने के लिए हमें काफ़ी सारी गलियों से गुजर कर आना पड़ा था। और इसकी जो संरचना बनी हुई है ना दोस्तों, वो काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है और काफ़ी सारे आपको झरोके इसमें नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडिया की पहला हवा महल है। दोस्तों आपने हवा महल का नाम तो सुना होगा राजस्थान के अंदर, लेकिन जो पहला हवा महल था वो यही था। जयपुर का जो हवा महल है वो बाद में बनवाया गया था। वो सारी बातें जानेंगे आप वीडियो के अंदर, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इसको अच्छे से, और आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा बारीकी के साथ में, एक एक चीज़ें बताऊंगा सारी चीज़ें। और जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि घनी आबादी के अंदर बना हुआ है, तो आइए हम चलते हैं इस। दोस्तों हम इसके पास में आ चुके हैं और सबसे पहले नज़र डालिए इसकी जो बनावट है ना उसके ऊपर। देखिए कितने सारे आपको छोटे छोटे गेट नज़र आ रहे होंगे, वो गेट इसलिए ही है क्योंकि इसमें हवा अच्छे तरीके से पास हो सके। और काफ़ी सुंदर इसका डिज़ाइन बनवाया गया था। यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है कि 3 मंजिला ये पूरा बनवाया गया था। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा पास से देखते हैं इसको कि कैसे इसको बनवाया गया था, इसकी बनावट। यहाँ आने के बाद हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है। और इसकी जो शेप है ना, देखिए नीचे से यहाँ से कितने सारे फूल के डिज़ाइन बने हुए हैं, ऊपर फिर एक मोमबत्ती की शेप के अंदर पूरा डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर तक। और बहुत सारे यहाँ पर आले बनवाए गए थे। और इस तरफ हम नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो इस तरफ भी काफ़ी सारे दीवाने टाइप में ही बनवाया गया था, पूरा झरोका बनवाया गया था अच्छे से। यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा ये बुर्ज बनाया गया था। और इसकी खास बात ये है कि इस बुर्ज के अंदर भी उन्होंने ऐसे छोटे छोटे झरोके बनवाए थे, पूरे महल की शेप छोटे झरोके से भर भी। हम इसके थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हमें पूरा अच्छे तरीके से नज़र आता है पूरा महल। देखिए पूरा जो हिस्सा है इसका, एक साइड का पूरा हमें नज़र आता है। दोस्तों बात करते हैं इसके इतिहास की, तो इसको बनवाया था भोपाल सिंह ने बनवाया था 1770 के टाइम पर। सारी बातें जानेंगे और धीरे धीरे कि किसने बनवाया था, कैसे इसकी संरचना ऐसे बनी। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग इसके विंडो की, इसकी खिड़की की। तो देखिए वहाँ ऊपर नज़र डालिए कितनी सुंदर इसकी खिड़कियाँ बनवाई गई थी सुंदर सुंदर नक्काशियों के साथ में। और यहाँ पर खिड़कियों के अंदर भी खिड़की देखने के लिए मिल जाती है हमें। तो आइए अब चलते हैं इसके मेन गेट ऊपर आने के बाद, आइए थोड़ा सा अंदर आइए। और ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है ये वाला, और ये है इसके नीचे वाली मंजिल की तरफ जाता है ये वाला रास्ता। और यहाँ पर अंदर आते ही मुझे काफ़ी सारी चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। और सबसे पहले हमें इसका एक चौक नज़र आता है, ये पूरा यहाँ पर जो बना है सुंदर काफ़ी चौक बना हुआ है। और इसका रिपेयर का काम भी करवाया गया था। और आप एक बार इसके जो झरोके हैं उनको देखिए कि कितने सारे यहाँ पर बनवाए गए थे,
अगर आप गिनने के लिए बैठेंगे कि इसके अंदर कितने सारे गेट बने थे टोटल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर वो गेट बनवाए गए थे, संरचना इस तरीके से रची गई थी इसकी कि आदमी भूल भुलैया के अंदर खो जाए। और ऐसा ही इसकी मान्यता है। अभी मैं ऐसा दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर ऐसा क्या भूल भुलैया है जो हम एक तरफ घुसते हैं तो घूम फिर कर वही उसी स्थान पर आ जाते हैं। और काफ़ी सुंदर इसको बनवाया गया था, अपने आप में एक अद्भुत नमूना हम इसको बोल सकते हैं। इतिहास का निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने 1770 के टाइम पर। इससे जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह इतना प्रेरित हो गए कि इससे भी बड़ी संरचना बनाने के लिए वो खुश हो गए और उन्होंने बनवाई हमारे लिए जयपुर के अंदर हवा महल। बेसिकली ये पहला हवा महल है, दूसरा वो है। और भोपाल सिंह थे शार्दुल सिंह के पोते। और जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह ने जो जयपुर का हवा महल बना हुआ है उसको बनवाया था 1799 के अंदर। मतलब लगभग 29 से 30 साल के ड्यूरेशन के बाद उन्होंने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया इसके बाद। और आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर झरोके बने हुए हैं, मैं गिन भी नहीं सकता। सीरियसली कभी आप यहाँ पर आना और इस संरचना को देखकर आप सच में चौंक जाएंगे। तो मैं आपको इसके साइड के जो फ्रंट हिस्सा था उसको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों उस समय जो राजा महाराजाओं की दासियाँ थी, रानियाँ थी, यहाँ पर खड़ी होकर जो बाहर की तरफ जितना भी प्रोग्राम होता था उसको अटेंड करती थी, यहाँ से आसानी से देख पाती थी। ये एक झरोका बना हुआ है यहाँ पर। और इस तरफ नज़र डालिए, यहाँ पर जालियों का जो डिज़ाइन है ना दोस्तों, इतनी बारीकी से नक्काशियों से किया गया था, बिल्कुल एकदम ऐसे सुंदर तरीके से किया गया था। देख कितनी सुंदर ये जाली लग रही है, आज भी उसी प्रकार बरकरार बनी हुई है दोस्तों। एक ये कक्ष बनवाया गया था, काफ़ी बड़ा जो कक्ष है इसके अंदर ये यहाँ पर एक रूम टाइप में हम बोल सकते हैं। बाहर की तरफ एक जाली की शेप में पूरा सुंदर तरीके से एक विंडो बनवाई गई थी। उसके बाद वहाँ ऊपर की तरफ ये सारे काफ़ी सारे झरोके बनवाए गए थे। और यहाँ देखिए, ये माना जाता है यहाँ का तख्त। यहाँ बैठकर जब वो राजा थे तो भाषण दिया करते थे। और जो इस जगह पर थे वो दीवाने आम हम बोल सकते हैं, जो खास व्यक्ति होते थे उन खास व्यक्तियों को ही यहीं पर बैठने दिया जाता था। और साथ ही बाहर की तरफ भी जगह है, जब वो यहाँ से भाषण दिया करते थे तो काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर बनवाई गई थी। इस तरह भी झरोका बनवाया गया था। अब हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर से भी मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। और काफ़ी सारे यहाँ पर चमगादड़ों की मात्रा भी है। ये है ऊपर जाने का रास्ता, इसका कुछ इस प्रकार है। और यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं किस तरफ, क्योंकि हर तरफ एक जैसी आकृति मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। सीरियसली मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि जिस भी तरफ मैं जा रहा हूं दोस्तों, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं जा किधर रहा हूं और निकल किधर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सेम आकृति बनी हुई है खूब सारी। आइए देखिए, अपने वीडियो के एक गली के अंदर से साइड से देखा था, उस तरफ मैं आ चुका हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर ये पूरी विंडो बनी हुई है और यहाँ से हम पूरा झुंझुनू शहर लगभग देख सकते हैं, आसपास की कॉलोनी जितनी भी बनी हुई है। दोस्तों आते जाइए, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये किस तरह से बनवाया गया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मैं चल किधर रहा हूँ, निकल किधर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली ये सच बात है दोस्तों, ऐसा सुनने में आता था, मैंने सुना था कि ये भूल भुलैया टाइप में है। और ये बात सच है, क्योंकि मैं जिधर से निकल रहा हूँ तो नीचे की तरफ देखता हूँ तो एक शेप अलग ही मुझे नज़र आती है। तो आगे आइए थोड़ा सा और हम लोग चलते। दोस्तों आपका मन खुश हो जाएगा जब भी यहाँ पर आप आओगे इस धरोहर को देखने के लिए, दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, पूरा लंबी एक गैलरी बनी हुई है, इसके अंदर चलेंगे और मज़ा आ जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो आइए, इतनी ज़बरदस्त संरचना आज भी देखने के लिए मिलती है और आप लोगों के लिए ही ये पूरी मेहनत की जा रही है दोस्तों।
आप लोग सपोर्ट करते हो तभी हिम्मत मिलती है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि यहाँ लोग आ सके। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, मतलब एक बार ही घूमकर पूरा हम ऊपर का देख सकते हैं आराम से। जम्मू के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस और सुंदर चीज़ है वो यही है, खेतड़ी महल। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो चौक आया था वो चौक है ये, और सबसे पहले नीचे वाली मंजिल देखिए, उसके बाद में सेकंड मंजिल देखिए आप एक बार। यहाँ पर दोनों साइड में गुमटी बनवाई गई थी और तीसरी मंजिल हम देख पाते हैं तो वहाँ पर बीच में कुछ बैठने का स्थान बनाया हुआ था और काफ़ी सारी यहाँ पर विंडो बनी हुई है जो खुली और हवादार बनी हुई है। दोस्तों ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ऐसे हम थोड़ा सा और आगे आए हैं, भूल भुलैया की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ एक चौक बना हुआ है पूरा एक बरामदा टाइप में, और उसके अंदर ये कुछ चीज़ बनी हुई है जैसे मंडप टाइप में हो, या फिर उस समय शादी विवाह हुआ करते थे तो यहाँ पर होते होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और कड़े भी लगे हुए हैं आज भी यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए आप एक बार, यहाँ कड़े भी लगे हुए हैं उसी तरीके से, और काफ़ी सारा मजबूत पत्थर इस पे लगाया गया था। और यहाँ देखिए नीचे की तरफ कुछ आकृति मुझे नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो उनका इम्पोर्टेंट स्थान रहा होगा ये। और इस तरफ काफ़ी सारे चमगादड़ों की मुझे आवाज़ आ रही है, तो अभी मैं आपको चमगादड़ भी दिखाता हूँ। आइए देखिए चमगादड़ की मात्रा एक बार, देखिए ये यहाँ से उड़ते हुए जा रहे हैं, ये लोग उस तरफ जाकर बैठ रहे हैं। और अब हम इस तरफ आ चुके हैं, देखिए इस तरफ हम आ चुके हैं, और यहाँ पर भी एक बैठने का पूरा स्थान बनवाया गया था, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर राजा शायद मेरे ख्याल से यहाँ बैठते होंगे और भाषण दिया करते होंगे सामने की तरफ। और यहाँ भी हमें पूरा हिस्सा नज़र आता है उस पीछे वाली गली का, और इस तरफ जब नज़र डालते हैं हम लोग तो यहाँ नीचे जाने का रास्ता नज़र आता है, ये पूरी गैलरी बनी हुई। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी इस महल के ऊपर की तरफ, और सबसे टॉप में आने के बाद हमें इस तरफ नज़र आता है पूरा ये चौक, देखिए यहाँ पर, और काफ़ी सारे चमगादड़ों की आपको आवाज़ आ रही होंगी। और जो इसकी पट्टियाँ थी, सीलियाँ थी, वो थोड़ी टूट चुकी है, और ये पूरा चौक का हिस्सा है, काफ़ी सुंदर इसका चौक का बनवाया गया था। आइए थोड़ा हम आगे चलते। इसके ऊपर आने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये काफ़ी सारे यहाँ पर उसी प्रकार गेट बने हुए हैं हवा के लिए, और उनमें डिज़ाइन भी डाले हुए हैं, और यहाँ पर बाद में वाइट कलर कर दिया गया जो अभी धूप के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। हम इसके वापस से नीचे की तरफ चलते हैं, और तो दोस्तों इस महल की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम इस तरफ से आए हैं चलते हुए, और यहाँ हमें ऊपर नज़र आया है खजाने की तिजोरी, इसके अंदर मटके अभी भी दबे हुए हैं। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर मटके दबवाए गए थे, खजाने वाले मटके, अभी सबूत देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ देखिए आप, ये मटके की जो शेप बनी हुई है ऊपर निकाला हुआ है, और ये देखिए ये रहे मटके, वो ये रहे ये मटके है, ये भी इधर भी मटका रखा हुआ है देखिए, और निकाले भी गए हुए हैं, निकालने वाली शेप भी आपको नज़र आ रही होगी, इसके अवशेष नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। दोस्तों यार मैंने पहली बार ऐसा एक, तो आइए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए तोड़ा गया था, आपको मटके नज़र नहीं आ रहे होंगे यहाँ पर, ऊपर देखिए आप एक बार, यहाँ देखिए इस वाली जगह मटके आपको नज़र आ रहे होंगे, और इधर देखिए साफ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा मटका, एक ये रहा, ऊपर देखिए ये रहा, और यहाँ देखिए आप एक बार इधर, अंदर आपको मटके नज़र आ रहे होंगे, देखिए ये टुकड़ा रहा मटके का, ये वाला, ये पूरा मटके दबे हुए थे,
इन सीढ़ियों के अंदर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है पूरी ये खेतड़ी महल की। आपने एक एक बारीकी से पूरे कोने को देखा है और साथ ही इसके इतिहास को जाना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।